रतलाम के गुणावत गांव में आज मौका था रक्षाबंधन का, लेकिन गांव में माहौल राष्ट्रभक्ति का रहा। गांव के सपूत कन्हैयालाल जाट की शहादत को नमन करने उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद समरसता मिशन द्वारा जिले के सपूत शहीद कन्हैयालाल जाट के राष्ट्रभक्ति स्थल का लोकार्पण शहीद के पैतृक गाँव में धूमधाम से किया जाएगा। शहीद समरसता मिशन ने पूरे गाँव में शहीद के चित्र के साथ वीरांगना और वीर माता पिता का सम्मान करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इसके बाद वीरांगना सपना जाट के हाथों से शहीद की प्रतिमा का अनावरण करवाया गया। अनावरण करने पहुंची वीरांगना को वहां मौजूद भाइयों ने अपने हथेलियां जमीन पर बिछाकर राष्ट्रभक्ति स्थल तक पहुंचाया। जिनकी शहादत 22 मई 2021 को हुई थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा यह सपना बहुत जल्द पूरा होगा, लेकिन मुझे आज खुशी है कि वह मेरा सपना मेरे मिशन के जितने भी साथियों और भाइयों हैं उन्होंने आज रक्षाबंधन के दिन मुझे वह तोहफा देकर मुझे बहुत ये किया है और मैं आज बहुत बोलते भावुक क्षण तो है ही सही, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पति मतलब शहीद हो गए। मुझे आज भी महसूस है कि मेरे पति मेरे साथ हैं और आज आप सभी लोगों के सामने चाहे वो मूर्ति के रूप में, लेकिन वह मूर्ति ही नहीं है, वह एक मेरा और उनका जो रिश्ता है वह शारीरिक रूप से हो या है वह आज भी देह और दिल से मेरे साथ ही, और जिसका आप सामने देख रहे हैं कि उसका अनावरण हुआ है और मेरे पति जो मैंने ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पति को मेरे भाइयों ने मुझे वापस लौटा। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे गुरु सत्य श्री मोहन नारायण जी के नेतृत्व में देश भर के 11 राज्यों में काम चल रहा है। मैं प्रदेश संयोजक नाते देश में जाता रहता हूँ और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं मोहन नारायण जी के नेतृत्व में काम करता हूँ और मुझे लगा है कि वास्तविक में आज जो मंदिर में जो घंटियाँ बजती है वह सैनिकों के कारण ही घंटियाँ बजती हैं और भगवान को भगवान बनाए रखने में भी उन महान क्रांतिकारियों का और हमारे देश के वीर सैनिकों का और ये जो बलिदानी परंपरा है, इस बलिदानी परंपरा को सुचारू रूप से जारी रखने वाले हमारे सैनिक बंधु जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, और निश्चित तौर पर आज हमारी बहन सपना दीदी को हमने एक संकल्प लिया था मोहन नारायण जी भाई साहब ने कि हम रक्षाबंधन के दिन बहन को उनका राष्ट्रशक्ति स्थल अमर शहीद कन्हैयालाल जाट जी का राष्ट्रशक्ति स्थल बनाकर उनको गिफ्ट करेंगे और वह सपना आज साकार होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी अधूरा काम है, लेकिन आने वाले समय तक पूरा काम करके एक बार पुनः या हवन पूजन करके बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सर, आज रक्षाबंधन के दिन ही ये क्यों चुना, इसको लेकर क्या कुछ? आज विशेष क्षण है क्योंकि कई बहनें अपने भाइयों की कलाई को अधूरा मानती है, लेकिन आज हमने हमारी विशेष तौर पर सपना। सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।